नमस्कार, स्वागत है हिमाचल समाचार में। तो चलिए शुरू करते हैं। 73वां हिमाचल दिवस समारोह आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सादगी के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस टुकड़ी से सलामी ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोविड-19 को लेकर लगाए गए लॉकडाउन व कर्फ्यू के चलते इस बार ये समारोह इस सादगी के साथ मनाना पड़ा। उन्होंने प्रदेश के लोगों से मिल रहे सहयोग से उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश शीघ्र ही पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त होगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, नगर निगम महापौर सत्या कोंडल, मुख्य सचिव अनिल खाची, उपायुक्त अमित कश्यप और पुलिस महानिदेशक SR मरडी जी इस मौके पर मौजूद रहे। उधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल दिवस पर राजभवन में तिरंगा फहराया। उन्होंने लोगों के सुखद व सफल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि प्रदेश हमेशा विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तबलीगी जमात के सभी प्राथमिक और दूसरे अन्य संपर्कों की पहचान व परीक्षण किया जाए और इस संबंध में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लोग घरों में बने मास्क का भी उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी अपराध बना दिया गया है, याद रखिएगा, और इसकी उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी फसल काटने की अनुमति दी जाएगी और किसानों व बागवानों की सुविधा के लिए कृषि संबंधी सामग्री बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि अंतर जिला और जिला के भीतर सरकार की अनुमति के अलावा वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा और कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट को सील किया जाएगा और इन क्षेत्रों के कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं को जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से घबराहट में खरीदारी और अनावश्यक भंडारण न करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से ई लर्निंग और टीचिंग कार्यक्रम आरंभ करने की घोषणा की है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को 17 अप्रैल से हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम के माध्यम से ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे ज्ञानशाला कार्यक्रम किससे जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को लॉकडाउन के समय में दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिसमें वो स्टडी कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, ये करंट अफेयर्स का पॉइंट रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा जिसमें विभिन्न विषयों को जानकारी दी जाएगी। जयराम ठाकुर ने 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए घर से अध्ययन पर आधारित कार्यक्रम लर्निंग फ्रॉम होम घर पाठशाला का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक स्कूल सामान्य रूप से नहीं खुल जाते तब तक ये कार्यक्रम 16 अप्रैल से प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अध्यापक महत्वपूर्ण विषयों पर व्हाट्सएप ग्रुप में विद्यार्थियों को प्रतिदिन पाठ्यक्रम वीडियो और होमवर्क भेजेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा TV और रेडियो के माध्यम से भी राज्य के सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई सामग्री उपलब्ध करवाने की योजना बनाई जा रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ने के लिए देशभर में कोरोना योद्धा अनेक मिसाल कायम कर रहे हैं। मंडी जिले के सुंदरनगर की रहने वाली व चंबा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत पूजा ने अपनी आज होने वाली शादी स्थगित कर ऐसी ही अभूतपूर्व देश सेवा का परिचय दिया है। पूजा अपनी शादी भूलकर चंबा में मरीजों का उपचार कर रही है। बेटी के इस निर्णय को परिजनों ने भी स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से हिमाचल को अब तक 223 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों, मजदूरों, किसानों, विधवाओं व दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत करीब 21,000 मुफ्त गैस सिलेंडर भी लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोगों को 29,352 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री किसान योजना के 8,65,000 से अधिक लाभार्थियों को 173 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों को मौजूदा समय में विद्यार्थियों से फीस न लेने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के निर्देशों के बावजूद ऐसा करने पर स्कूल की संबद्धता रद्द कर दी जाएगी।